व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। तो आज हम लोग पास फाइनली, मतलब क्या फाइनली, एक सेकंड, हाँ तो फाइनली हम लोग पास यहाँ पर EX रूगल का बैनर आ चुका है, ठीक है, और जिसको हम A1 तक लेकर जा चुके हैं। ये फ्री वाला रूगल है और ये वाला रूगल आप लोगों को मिलेगा कहाँ पर से, कहाँ पर से आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पर से। इसके लिए आप लोगों को एटलीस्ट इसका लेवल 10 क्लियर करना पड़ेगा, जिसके बाद आप लोगों को ये आपका फ्री वाला रूगल मिल जाएगा। मैं इसके साथ ही साथ ये कि आप लोगों को यहाँ पे और भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, जैसे कि रूगल हो गया हम लोग का, फिर उसके बाद हम लोग पास यहाँ पर रूबीज, और उसके साथ से हम लोग पास यहाँ अवेकन कैप्सूल्स लेवल 50 एंड अबव के लिए, फिर उसके हम लोग पास यहाँ अच्छे वाले हैमर्स और यहाँ क्रिटिकल रेट वाले स्टोन क्राफ्ट करने के लिए ये वाले मटेरियल्स भी। और उसके बाद अगर आप लोग और भी ज़्यादा इनको क्लियर करते हो तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर और भी ज़्यादा यहाँ पर रूगल के मेमोरीज़ को क्रिएट, अभी क्या हो क्या रहा है ये, एक सेकेंड, ठीक है, तो आप लोगों को रूगल के और भी मेमोरीज़ को क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगा। और हाँ, इस बार हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और मेरा टीम ये नहीं है मेरे, हम इसको लेकर टेस्ट करें कि इसको हम लेकर और चेक कर सकते हैं कि नहीं, और हाँ इसके ऊपर हम वीडियो कल ही बना देंगे। तो हाँ, आप लोग उसके लिए नहीं देखना है तो सब्सक्राइब प्लीज, ठीक है। और हाँ, एक काम करते, पहले समन कर लेते हैं जो हम लोगों को सभी को फ्री वाला टिकट मिला होगा। इनकेस आप लोगों का टिकट नहीं मिला है तो वो आप लोग एक बॉक्स खोलने से आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग उसको कलेक्ट कर लेना। और चलो यहाँ पर लोग समन करके देखते हैं। और हाँ, आप लोगों को कुछ मिला कि नहीं हमको एक बार नीचे कमेंट जरूर बताना, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों को मिला है कि नहीं कुछ। हाँ, और मेरा तो एज यूजुअल हमको मिल गया ब्रॉन्ज बॉर्डर कैरेक्टर, ओ ये, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ थोड़ा अपने सबसे ज़्यादा चहेते लोगों को देख लेते हैं। ये पहले हम लोग का ग्रीन ओमेगा रूगल। और हाँ, एक छोटा चीज़ जो हम मिस्टेक किए ये कि यहाँ पर जो दोनों नए वाले 3 PGs आए हैं ये सभी ओमेगा रूगल के ऊपर हम लोग के एक्यूबल हैं। आप लोगों का BS वाला भी, नॉर्मल वाला 98 वाला रूगल भी, सभी के सभी ये वाला 3 PG, दोनों 3 PG जो नए आए हैं इनको एक्यूब कर सकते हैं। और जल्दी से हम लोग इनके स्किल्स को देख लेते हैं कि हम लोग को यहाँ क्या देखने के लिए नया मिलता है। और चलो गाइस, तो ये हम लोग पहला स्किल, जिन का स्किल का याद नहीं आ रहा है, डेविल जिन का, चलो सही है, ठीक है। जेनोसाइड कटर का बाप आया है यहाँ पर, ये भी बहुत बढ़िया है। और देखो, ये हम रूगल वाले वीडियो पहले ही बोले थे ये मूव आएगा। काइजर वेव थोड़ा छोटा और सस्ता नहीं लगा ये वाला? BS रुगल काइजर वेव ज्यादा अच्छा है। बाप रे, ये हुआ कुछ भाई तगड़ा माल। ये वाला स्किल बहुत सही लगा हमको, ये स्किल सही बहुत अच्छा लग रहा देखने में। फिर हम लोग पास यहाँ इसका कोर फिनिशर, जो कि आधा तो हम गेस कर ही लिए थे। फिर हम लोग के यहाँ काइजर फिनिक्स जो हम लोग पर ऑलरेडी है, इसका मतलब क्या कि अगर आप लोग इसको ऑप्टेन कर ले तो आप इसके कार्ड नहीं पाते हो, तो आप लोग फिर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने पुराने वाले 3 PG कार्ड का इस्तेमाल करते हुए भी। फिर हम लोग पास जो नए 3 PG कार्ड फिनिशर आए हुए उनको भी देख लेते हैं। देखो, मूव तो बहुत अच्छा था, मगर एक चीज़ तो आप लोगों को भी एग्री करना पड़ेगा, बोलो क्या, कि भाई कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। आप लोग खाली फिनिशिंग वाला मूव का देखना ना, मतलब भाई कोई प्लेस्टेशन का गेम लेवल का तो ग्राफिक्स टाइप का मूव फील नहीं आ रहा था ये सब देखकर। ये काफ़ी अच्छा काम किए लोग। और उसके बाद यहाँ पर जो एक और 3 PG ऐप है उसको देख लेते हैं। मगर रूगल ये साइको जो हंसता है ना, ये पता नहीं कि हमको बहुत अच्छा लगता है देखने में, मतलब कि हाँ ये HARAMI है, ठीक है, ये है, ये बोलता है देख मैं हूँ, ठीक। तो ये चीज़ मतलब बहुत कम ही विलेन लोग में ऐसे देखने को मिलता है। तो यस, नहीं वैसे हमको बोलना नहीं चाहिए थे इसको वैसे वो चीज़, मगर क्या ही बोले। फिर उसके बाद हम लोग पास यहाँ पर है डोलॉन, जो कि भाई हमको क्यों ऐसा लग रहा है कि फीमेल, मतलब जितने भी लड़कियां या फिर औरतें नहीं, हाँ लड़कियां जिन लोग भी इस गेम को खेलती होंगी उनको इसके ऊपर थोड़ा क्रश आ रहा होगा, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि
हम कुछ लोगों को दिखाए, उन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ये आदमी। हम लोग का हाइपर आर्मर स्किल सही, लॉन्ग रेंज से ही मारेंगे। ये थोड़ा ज्यादा ही शॉर्ट था, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट था ये, मगर ये भाई ये है, ये मतलब कुछ एकदम ही फ्रेश टेक लेके आया हम लोग का। और यहाँ भी जो आखिरी जो स्कल्स आकर जो पूरा स्क्रीन कवर कर देते हैं ना, ये भाई मतलब क्या चेरी ऑन द केक टाइप का था। ये बहुत सही थ्री फिनिशर लेके आया थ्री पीजी वाला, इन लोगों को ऐसे ही कुछ नया नया लेके आया। तो भाई ये सही में एक अच्छा मूव था इन लोगों का। और एक और चीज़ ये कि यहाँ पर हाँ हमको आप लोग लगे भाई ये क्या आदमी है, मगर हाँ हमको ये जो सिर्फ ये तीन स्किल्स आए ना, हमको ये ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। ठीक है, चार्जिंग स्किल होता दैट वाज गुड, मगर अब थोड़ा गेम में इतने मैकेनिक्स आ गया ना, तो ये लोग जो सिंपल अप्रोच रखे इसको लेकर, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा अप्रोच था। और हाँ, इसका जो टेम्पोरल मिस्ट्री फाइटर्स का अटैक 60% से इंक्रीज होने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लीडरशिप होने वाला है, खासकर इसके लिए और ओमेगा रूगल दोनों के लिए। और ओमेगा रूगल हम लोग क्या दे रहे हैं, ये हम लोग को अच्छा ओमेगा रूगल बोले ना, हम लोग का EX फाइटर का अटैक 50% और क्रिटिकल रेट 10% इंक्रीज कर रहा है। तो ऑल इन ऑल दोनों कैरेक्टर्स के मूव्स काफ़ी सही हैं। अभी कार्ड्स पे नज़र डाल देते हैं हम लोग। और ये कार्ड तो भाई ये पूरा टेकन सेट है, जो अभी हम लोग टेकन सेट गया ना, ये पूरा वही है। बस फर्क इतना है, वो सेट हम लोग टेकन कैरेक्टर्स के लिए लॉक्ड हो जा रहा था, ये सेट हम लोग सारे EX कैरेक्टर के ऊपर काम करने वाला है। और भाई लोग ये सेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, अगर आप लोग इसको पाने का चांस रखते हो। ठीक है, अगर आप लोग इस थोड़ा सा कार्ड में बैनर संबंध किए हो, सेट कंप्लीट करना है कर देना कैसे भी करके, ये बहुत ही अच्छा सेट है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला लॉन्ग रन में। आ शिट, 6% चार्ज है, कोई नहीं। फिर हम लोग पास क्या नया ऑप्शन कार्ड आया है, जो हम लोग का फिजिकल डैमेज इंक्रीज कर 60% से। अब देखो, अगर ये चीज़ आया ना, तो जान लो दोनों किसी एक के पास तो फिजिकल डैमेज एक्सप्लोजन होगा ही होगा, या फिर दोनों फिजिकल डैमेज डील करते होंगे। तो ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग आ ही गए, तो फकीर और समझ कर लेते जल्दी से। एक काम करते हैं, चलो समन भी कर लेते हैं हम लोग। जो फ्री रूबीज ऑब्वियसली हम उन्हीं का इस्तेमाल करने वाले हैं। इन दोनों कोई भी एक मिल गया ना, हम कार्ड पे स्विच कर जाएंगे। ओके, तो हम क्या ही बोलें, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक, और अब हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग पास कौन कौन से गेम मोड्स आए हुए हैं, क्या क्या हम लोग के लिए नया कंटेंट आया खेलने के लिए, तो उनके ऊपर भी हम नज़र डाल दें जल्दी से। तो सबसे पहला चीज़, हम लोग पास यहाँ रूगल क्राफ्टिंग इवेंट आया पड़ा है, जहाँ पर आप लोग ओमेगा रूगल के मेमोरीज़ को क्राफ्ट कर सकते हो। और यहाँ अप टू आप लोग 7 मेमोरीज क्राफ्ट कर, मतलब अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खेलते हो, तो देयर आर वेरी हाई चांस कि आप लोग पूरा इसको 8-7 तक लेकर चले जाओगे। 7 मेमोरीज जो आपको यहाँ से मिल रही है, इससे आप A5 तक लेकर जाओगे, और उसके बाद डिस्पैच करके वहाँ पर प्राइम मेमोरी से इसको A6-A7 भी लेकर जा सकते हो। और स्टोन में तो जैसा आप लोग सभी को पता है कि हम लोग कौन से स्टोन लेंगे, हम लोग यहाँ स्टार स्टोन लेंगे, क्योंकि ये हम लोग क्या देता है क्रिटिकल रेट, जिससे हम लोग CP बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ जाने वाला है। तो ये भी बहुत ज़्यादा सही स्टोन हम लोग पास में आ गया है। और उसके बाद हम लोग पास यहाँ बिंगो आया पड़ा है, जहाँ पर हम लोग को बहुत ज़्यादा रूबीज तो देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, मगर फिर भी 200 रूबीज थोड़े और होते तो अच्छा होता, मगर फिर भी ये भी बहुत सही है, बहुत सही, हाँ सही है, ख़राब तो नहीं बोलेंगे,
फिर हमारे पास ये इवेंट कोडेक्स है जहाँ पर देखो आप लोग बहुत सिंपल कर दिया गया है कि आप लोग किसी कैरेक्टर को अपग्रेड कर रहे हो तो आप लोग यहीं पर से स्टोन लो, यहीं चिपका दो, काम खत्म आप लोगों का, वहीं पे आप लोग खुश हो जाओगे, आप लोग काम वहीं पे तुरंत खत्म हो जाने वाला है। फिर यहाँ पे हमारे पास रश डंजन आया पड़ा जहाँ पर हम लोग को एक अच्छा सेट देखने के लिए मिला है, मगर ये भी डैमेज बूस्टर सेट है, ये आप लोग सीपी के लिए एक्सपेक्ट मत करना इसको। ये जो सेट आया पड़ा हम लोग का यहाँ पर, ये हम बोले ठीक ठाक ही है, बस फिजिकल डैमेज जो डील करते हैं उन सभी के लिए टेम्पोरल मिस्ट्री फाइटर। आप लोग सोचे भाई टेम्पोरल मिस्ट्री फाइटर कौन है, तो इसके लिए हम लोग जाना पड़ेगा फाइटर में। और यहाँ पर अभी आप लोगों को एक शॉर्टकट दिखा देते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को आना है, अभी खुल यहाँ पे आप लोग ऐसे करोगे। अच्छा यहाँ सारे ये चीज़ आप लोग देख लो, पहले ये सारे में ऑल में टिक में है, ठीक है। फिर यहाँ पूरा नीचे आओ, टेम्पोरल मिस्ट्री फाइटर में जाओ और यहाँ पर आप लोग देखने मिलेगा कि कौन कौन है। तो यहाँ पर हमारे पास गोनेट्स, ओरोची, ओमेगा रुगल और उसके बाद क्या, बस इतने ही लोग हैं। ओ अच्छा, मेरा डुओलॉन तो है नहीं और नया वाला रुगल भी है नहीं, तो हाँ ये सभी हम लोग टेम्पोरल मिस्ट्री फाइटर्स हैं। तो इन सभी के ऊपर वाला कार्ड काफ़ी अच्छा होने वाला है, मगर फिर भी वो सेट हम लोग का ज़्यादा अच्छा डुओलॉन और ओमेगा रुगल पर ही होने वाला है। उन लोगों के पास ही फिजिकल डैमेज होगा जिसका इस्तेमाल करके वो लोग भर भर के एक्स्ट्रा डैमेज भी डील करेंगे। और इसके बाद अच्छा ये क्या फ़ोन लैग कर रहा है क्या? ओ ये फ़ोन लैग, यही तो चाहिए हम लोग को, ठीक। और यहाँ पर आप लोग फार्मिंग करने के लिए जिन लोग न्यू कवर्स इस गेम में, आपको बता दें कि आप लोग ये टू काम करना कि यहाँ पर जो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला आइकन है, सर्च वाला आइकन है, उस पर टैप करना। आप लोग मालूम पड़ जाए कि आप लोग कौन कौन से कैरेक्टर्स, कौन कौन से टीम्स को लेकर जाना चाहिए, कौन कौन से कार्ड्स को लेकर जाना चाहिए। तो ये सभी आप लोगों के पास कार्ड्स हैं, आप लोग इनको इक्विप कर लेना और इन कैरेक्टर्स को लेकर जाना, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा खासा गेन मिलने वाला है। और एक और चीज़ करना कि जिस भी कैरेक्टर लेकर जा रहे हो उसको अवेकन करके लेकर जाना, उससे होगा ये कि आप लोगों को और भी ज़्यादा कॉइन्स वहाँ फार्म करने में आसानी होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया। और जहाँ रोज़ 50 रुपीज़ जो मिलने वाले, वो तो एक और चीज़ है ही। और फ़ोन तो ज़्यादा ही लैग करे, तो हम कुछ जुगाड़ बैठा है क्या? और फिर हमारे पास है यहाँ पे हम लोग का बॉस डंजन, जो आप लोगों को हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, जिसके ऊपर हम वीडियो कल बना देंगे। फिर हमारे पास है चैलेंज डंजन जहाँ पर हम लोग को रूबीज तो देखने में मिल ही रहे हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोग पास यहाँ पर थोड़ा ऊपर आने से आप लोगों को 20 तो यहाँ पर से और भी मिल, जिसका मतलब क्या आप लोग हम लोग का जो फ्री ओमेगा रूगल है उसको भी आप लोग क्राफ्ट कर सकते हो, उसको और भी मेमोरीज क्राफ्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आखिर में हमारे पास है वापस एक SSBS मिस्ट्री बॉक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। अब देखते हैं यहाँ पर से इस बार आप लोगों को क्या मिलता है, आप लोग हमको नीचे कमेंट ज़रूर बताना। और यहाँ से अगर हम लोग बाहर निकले तो फिर हम लोग पास यहाँ पर और क्या है, हम लोग पास है समन्स, जिसका हम लोग बात कर चुके हैं, मगर हम लोग इसके बारे में बात नहीं किए हुए हैं। और इसके बारे में बात करने से हमको याद आया कि इनकेस अगर आप लोगों को, देखो एक छोटा चीज़ है कि हम कोशिश तो करते जितना उसके अंदर हेल्प करने के लिए आप लोग सभी का, और इनकेस अगर हम आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो हम आप लोगों को हाईली रिकमेंड करेंगे आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और भी वहाँ पर काफ़ी एक्टिव मेंबर्स हैं जो आप लोगों को वहाँ पर रेडिली हेल्प करेंगे। और इतना तो है कि मेरे डिस्कॉर्ड में सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और सभी लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो आप लोग डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हाँ, फिर हम लोग पास यहाँ पर हम लोग का इसका स्किल देख लेते हैं। और हाँ, ये मॉडल मतलब भाई लग रहा है कि हाँ ये आया बॉडी बिल्डिंग करके, मतलब देख रहे हो बाइसेप्स, देख रहे हो बाबू का मुंडी, इतना बड़ा साइज इसका आर्म का है, तो हाँ ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। और उसके बाद ये हम लोग पहला स्किल, जो कि हम लोग का वो वाला रुगल्स के जैसी पूरा ही सेम है। फिर ये हम लोग सेकेंड स्किल, फियर हाइपर आर्मर, गुड। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग का हो गया थर्ड स्किल काइजर, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ चला, वो वाला एक रुगल इतना तेज़ नहीं चलता है, इसका ये वाला काइजर वेव काफ़ी ज़्यादा तेज़ चला। और बाकी जो फिनिशर्स है वो तो जो है वो है ही। तो अब गाइस आप लोगों को बताना कि आपको ये आज का अपडेट कैसा लगा और आप लोग क्या थॉट्स है इन अपडेट को लेकर, दो दो रुगल और फ्री EX रुगल को लेकर आप लोगों के क्या एक्सपीरियंस रहे हमको नीचे कमेंट जरूर बताना। और अगर आप लोग समन किए हो तो वो भी बताना आप लोग लक कैसा चल रहा है, और आप लोग मेरा देख लिया और हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है अपने लक को रिगार्डिंग। तो फिर गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। अच्छा हाँ, सब्सक्राइब कर देना जो लोग नहीं किया अभी तक प्लीज़, ठीक है। तो हाँ गाइस, टेक केयर, गुड बाय।